हाय एवरीवन, इस वीडियो में हमें देखना होगा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो वन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा था कि हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो जितना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है इसका हमें जीरोज निकालना था एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट। और क्या करना था, हमें रिलेशन को वेरीफाई करना था किसके किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशियंट के बीच में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इसका बताए हुए थे कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या बोलता है कि टी स्क्वायर माइनस 15, और इसका हमें क्या निकालना होगा, जीरोज निकालना होगा इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलीनोमियल का। और क्या निकालना होगा, रिलेशन डिफाइन करना होगा जीरोज एंड कोफिशियंट के बीच में। तो हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसी को हम लोग को निकालना होगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 का जीरोज कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और 15 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर। देखिए, तो हम लोग किसी भी नंबर को अगर जैसे 2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग को 2 लिखना होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब दो रूट मिलकर एक 2 बन जाता है। ठीक है ना, मतलब दो रूट 2 मिलकर एक 2 बनता है। तो ऐसे हम लोग क्या लिखे हैं कि रूट 15 का होल स्क्वायर जब करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 15। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सही है। ऐसे लिखने से हमें प्रॉफिट क्या हुआ कि एक फार्मूला हमको मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मिल जाएगा जिसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी को हम लोग इस फार्मूला की मदद से इसको तोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि टी माइनस रूट 15 एक इक्वेशन एक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि जीरोज निकालेंगे। जीरो कैसे निकालते हैं, एक को लेंगे और जीरो के इक्वल दिखा देंगे, टी माइनस रूट 15 को लिए और जीरो के इक्वल दिखा दिए, और इधर भी क्या करेंगे सेम ऐसे ही एक तरफ का लेंगे और जीरो के इक्वल दिखा देंगे। अब जीरो निकालने के लिए हम लोग टी का मान निकालेंगे, इधर से टी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट माइनस रूट 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इधर प्लस 15, और इधर का अगर टी देखोगे तो ये प्लस रूट 15 है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। ठीक है, तो दो जीरो निकल गया, एक हो जाएगा रूट 15 और एक माइनस रूट 15। अब हमें क्या निकालना था, ये हमारे दो जीरो निकालने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज, ये निकल गया। अब हमें क्या बोलना था, रिलेशन डिफाइन करने के लिए जीरो और कोफिशियंट का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोज का फार्मूला, सम ऑफ जीरोज इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब जो दोनों जीरो है उसको दोनों को सम करेंगे, रूट 15 एक है और एक माइनस रूट 15 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, यहाँ पे सम का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर माइनस को ऐसे ही रहने देंगे और कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, फार्मूला में अगर एक्स है तो इसके जगह हम लोग इक्वेशन में क्या टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी और नीचे टी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम चेंज कर लेना सब, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वही वेरिएबल क्या लगेगा, फार्मूला में लगेगा। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, इसीलिए हम मिस्टेक करके दिखाएं कि आप लोग ऐसा मिस्टेक ना करें। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पर होगा वही हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर टी था तो हम लोग क्या लिखा, कोफिशियंट ऑफ टी और कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पर है, तो ये कुछ नहीं मतलब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस जीरो इंटू टी और माइनस 15। मतलब क्या है, टी का मान क्या है, जीरो है, अगर कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का कोफिशियंट कौन सा हो जाएगा, जीरो, और नीचे कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कोफिशियंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 1। अब इधर को इधर सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोज, ये प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 कट के क्या हो जाएगा, जीरो, और इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो।
ठीक है। अब जीरो में कोई नंबर माइनस में होता है तो जीरो निगेटिव नहीं होगा, वो जीरो ही होता है। तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशन एक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग देखेंगे कैसे, देखेंगे रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 लिख देंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म में इसमें क्या है, इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में, पॉलीनोमियल में माइनस रूट 15 माइनस 15, तो लिख देंगे माइनस 15, और नीचे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के फिर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो लिख देंगे क्या, 1। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 और रूट 15 एक साथ मिल क्या हो जाएगा, 15, और माइनस ऐसे ही रह जाएगा तो माइनस रूट 15, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो दोनों तरफ इक्वल हो गया फिर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक फॉर्मूला भी रिलेशन डिफाइन हो गया, और सम ऑफ जीरो से भी हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर दिए, कि रिलेशन निकाल दिए कि जीरो कोफिशिएंट बीच में इक्वल है, जब इक्वल है तो ये डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।